खुश रंग परिंदों ने बरसात कंकर की दिल जो दिल जो बहुत अमदाबाद निस्वार्थ की पाबंदी कर लीजिए, कलिमे पर मौत आएगी,
नेमत जब मिले तो अल्लाह का नाम लेकर के खाइए, शुक्र कीजिए। कलमे पर मौत आएगी, मुसीबत आए तो आप सब्र कीजिए, कलमे पर मौत आएगी। नेक लोगों की सोहबत में बैठिए, कलमे पर मौत आएगी। अल्लाह के लिए उसकी मोहब्बत का इजहार कीजिए, कलमे पर मौत आएगी। खौफे खुदा में गुनाह छोड़ दीजिए, कलमे पर मौत आएगी। आजान की जब सदा लगे जवाब दीजिए, कलमे पर मौत आएगी। कलमे को कसरत से पढ़िए, कलमे पर मौत आएगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिए ईमान पर अल्लाह खात्मा तो फरमाए। नहीं जिरही अच्छा है न विसा सब के मीजान पर तब खुलेगा ये खोटा खरा कौन है। बहुत खूबसूरत जलसा आप लोग सन्नाटे में सुनने के लिए बैठे हैं, अमल के जज्बे से बैठे हैं, इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फजर के बाद भी जलसा सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप लोग सोचते हैं कि इम्तिहान खत्म हो गया, इम्तिहान दुआ तक जारी रहेगा और देखते हैं कि आप लोग कहाँ फंसते हैं कहाँ निकलते हैं। बहुत प्यारा मुताला आपकी खबर को लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। छोटा जलसा जरूर है लेकिन आप लोग जम करके बैठे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा किसी बड़े जलसे में मैं खिताब कर रहा हूँ। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके औलाद को कबूल फरमाए, इस बस्ती को कबूल फरमाए, जिस मदरसे में ये जलसा हो रहा उस मदरसे को अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, सुना रहा हूँ, दुनिया से धोखा नहीं खाना। 3 मिनट का पैगाम है, बिस्मिल्लाह है, खाता अच्छा होगा इंशाल्लाह, खाता भी अच्छा होगा। दुनिया से धोखा नहीं खाना, सुना रहा हूँ बिल्कुल लाइन बाइन सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग मोबाइल से शूट करने के बजाय बेहतर मोबाइल जेब में रख लीजिए, इतना बड़ा चैनल आपके यहाँ आया हुआ है, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी इस जलसे की, बिल्कुल क्लीन करके साफ करके बिकी होगी। आप लोग मोबाइल जेब में रखिए, ध्यान इधर दीजिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको मैं जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर चैनल वाले हैं तो शूट कीजिए चले जाएगा, चैनल वाले नहीं है प्राइवेट वाले को छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा। दुनिया से धोखा नहीं खाना, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत अली ने फरमाया दुनिया दूर जा रही है, आखिरत करीब आ रही है। दुनिया दूर हो रही है, आखिरत करीब हो रही है। आखिरत के भी बेटे हैं, दुनिया के भी बेटे हैं, तुम दुनिया का बेटा मत बनना वरना दुनियादार हो जाओगे, दूर हो जाओगे। आखिरत का बेटा बनो, अल्लाह से करीब हो जाओगे। आगे फरमाया आज अमल कर लो, हिसाब नहीं है, कल हिसाब होगा, अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, इतना बड़ा मजमा है, मैं आपसे एक सवाल करूँ अकलमंद कौन है, तो आप कहेंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो अकलमंद है। मैं आपको बताता हूँ कि अकलमंद कौन है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अकलमंद वो है जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, वो सबसे ज्यादा अकलमंद है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अगर अल्लाह ने आपको गरीब बनाया है तो आप सब्र कीजिए, मायूस मत होइए। गरीब का कितना बड़ा दर्जा है मरने के बाद मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 500 साल अमीर से पहले गरीब जन्नत में दाखिल होगा, 500 साल पहले गरीब जन्नत में दाखिल होकर के पुराने हो जाएंगे, उसके बाद अमीर को दाखिला मिलेगा जन्नत में। इसलिए गरीब है तो मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने जिस हाल पर रखा अच्छा है।
दूसरी बात ये याद रखिए, अमीर पैसा खर्च करेगा तब उसे सवाब मिलेगा, और गरीब सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ेगा, जो सवाब अल्लाह अमीर को देगा वो इसको तस्बीह पर अता फरमा देगा। तीसरी बात को जरा याद रखिएगा, आप जमीन पर हैं, आपके सर के ऊपर आसमान है, आपको अगर सितारा देखना पड़ता है, चांद देखना पड़ता है तो सर उठाना पड़ता है। जमीन पर आप हैं, आसमान को देखने के लिए, सितारे को देखने के लिए सर उठाना पड़ता है। मरने के बाद गरीब का मकान कितना ऊंचा होगा कि अमीर को यूं देखना पड़ेगा जैसे जमीन से आदमी सितारे को देखता है। फिरतमंदों से क्या पूछो कि मेरी बुतदा क्या है, फिरतमंदों से क्या पूछो कि मेरी बुतदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में हूँ, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। फिरतमंदों से क्या पूछो कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को पाए बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। आप सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह आपको अमल के लिए कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, हलाल खिलाएंगे, हराम में हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ मिला दिए इंशाल्लाह। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, मोहब्बत से सुन रहे हैं, तेजी के साथ पैगाम निकल रहा है। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं, मुसीबत आए सब्र करना आसान है, लेकिन राहत आए माल आए गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल है। ध्यान दीजिएगा, जब मुसीबत आती है, बूढ़ा बाप मौजूद है, जवान बेटे का जनाजा उठता है, तो बाप को कैसे सब्र होता, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने नहीं दिया। मुसीबत करना आसान है, मुसीबत पर सब्र करना आसान है, लेकिन जब घर में खुशहाली आए, माल आए, तरक्की हो, गुनाह छूट जाए, बहुत मुश्किल होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर किसी के घर में मुसीबत थी वो इसको इम्तिहान समझ रहा था तो ये सही है, लेकिन अगर किसी के घर से मुसीबत निकल गई वो इसको इम्तिहान नहीं समझ रहा है, अकल का धोखा, अब ज्यादा इम्तिहान होगा। जब घर में राहत आएगी, खुशहाली आएगी, माल आएगा, पैसा आएगा, तरक्की होगी, तो आपका ज्यादा इम्तिहान होगा। आप याद रखिए, किसी गरीब ने खुदाई का दावा किया, किसी गरीब ने खुदाई का दावा नहीं किया। खुदाई का दावा किसने किया था, सरदार ने, अमीर था। खुदाई का दावा किसने किया, फिरौन ने, अमीर था। माल ने लोगों को खुदाई का दावा कराया, लेकिन गरीबी ने लोगों को खुदाई का दावा नहीं कराया। ध्यान दीजिएगा, अमीर का ज्यादा इम्तिहान होता है, गरीब का कम, अमीर का ज्यादा इम्तिहान होता है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मुसीबत तुमको हलाक करने के लिए भी आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा रोहतक का इलाका, दो तीन महीना पहले जब मौलाना आबिद अनवर साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए थे, तो जनाजा पढ़ने के लिए जमीन खाली नहीं मिली थी, रोड पर जनाजा पढ़ा जा रहा था और चारों तरफ गंगा ही नजर आ रही थी, पूरा रोहतक गंगा बन गया था, सारी हर तरफ पानी ही पानी। ये मुसीबत जब आती है तो ये हलाक करने के लिए नहीं आती है, बल्कि ईमान को बनाने के लिए आती है। क्या ईमान के पक्के हैं या कच्चे हैं? जब हम घड़ा खरीदते हैं, मटका खरीदते हैं, तब ठोक बजा करके लेते हैं, अल्लाह भी जन्नत में ऐसे दाखिल नहीं करेगा मुसीबत डाल करके, ईमान को ठोक बजा करके देखेगा कि कच्चा है या पक्का है। दूसरी बात को याद रखिएगा, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, डरना चाहिए, लेकिन किससे डरना चाहिए, अपने गुनाह से, गुनाह इंसान को बर्बाद करवा सकता है। डरना चाहिए, लेकिन किससे डरना चाहिए, अपने गुनाह से। उम्मीद किससे रखना चाहिए, बेटे से, पोते से, किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए। आप बेटे से उम्मीद रखेंगे, बेटा आपका भरोसा तोड़ देगा, बीवी से उम्मीद रखेंगे, बीवी भरोसा तोड़ देगी, आपको खुदकुशी करनी पड़ेगी, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद रखिए, ना आपको बेटे की मोहताज बनाएगा, ना आपको बीवी का मोहताज बनाएगा।
अल्लाह से उम्मीद रखिए। और दो काम जरूर करना है ताकि आप पर जब सर आए तो अपना हिसाब लेना है कि मैंने क्या खोया क्या पाया, और अपने अमल का वजन करना है। आज तो हिसाब लेने का मौका है, अमल को वजन करने का मौका है, कल मौका नहीं मिलेगा। आपका हिसाब लिया जाएगा, आपके अमल को वजन किया जाएगा। हमने जिंदगी दी, जवानी दी, तंदुरुस्ती दी, कहाँ आबाद किया, कहाँ बर्बाद किया, माल दिया कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म दिया उसके मुताबिक क्या अमल किया। इंशाल्लाह सब्र करेंगे, ईमान पर साबित कदम रहेंगे, हराम में हाथ नहीं डालेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रात में मोबाइल देखेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह। बाद में तौबा करेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी है अभी सिला देगा। अगर आप नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह आपको नाफरमानी की सजा देगा। ये बहुत प्यारा मसाला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नया साल आने वाला, बिल्कुल नया साल मुंह पर आ गया, 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है। 2022 में क्या करना है, कुल्फी लेकर के घर से बाहर निकल जाना, हाथ लगे इंशाल्लाह। ये एक आदमी तो फंसी है, ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है। अब पूरा मजमा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर मैं पूछूंगा कि 2021 कैसा गया तो हर आदमी कहेगा 2021 बहुत बुरा गया। और आगे पूछूंगा कि भाई 2022 कैसा जाएगा तो हर आदमी कहेगा अच्छा जाएगा। मैं आपको रात की बात बता रहा हूँ, 2021 कैसा गया, 2022 कैसा जाएगा। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 2024 में करेगा इंशाल्लाह। अब डिस्प्ले मार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, डिस्प्ले मार रहे हैं। कान इधर खड़े हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उस्मान खैराबादी दुकान पर बैठता है, मुसलमान है। उस्मान खैराबादी दुकान पर बैठते हैं, मुसलमान है। फटा पुराना नोट लोगों का ले लेते हैं, सौदा दे देते हैं। यार कैसा दुकानदार हो, कैसा दुकानदार हो, फटाफट नोट ले लेते हो, फटा नोट ले लेते हो, जाली नोट ले लेते हो। तो पता ये चला कि वो दुआ करते हैं जाली नोट लेकर के, है मेरे परवरदिगार मैं तेरे बंदे के खोटे नोट को कबूल करता हूँ, तू मेरे खोटे अमल को कबूल फरमा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। क्या दुआ करते थे, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अरे मेरे परवरदिगार माफ कर देना, जन्नत में दाखिल कर देना, माफ कर देना, जन्नत में दाखिल कर देना, हिसाब मत लेना। फिर कहा अगर आप हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना, नबी के निगाह से ओझल हिसाब लेना, ताकि मैं अपने नबी का सर अपने गुनाह की वजह से झुका ना दूं, नबी की निगाह से ओझल मेरा हिसाब। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब मत लेना, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। अगर हिसाब लेना ही है मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं नबी को देख करके नबी के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं,
जब इंतकाल का वक्त आया, शागिर्दों से कहा कि मुझे चौकी से उतार करके जमीन पर डाल दो। शागिर्द तैयार नहीं, तो कहा मैं हुक्म दे रहा हूँ, सहाबा की सुन्नत निभाने के लिए हुक्म दे रहा हूँ, तो मुझे चौकी से नीचे उतारो। चौकी से नीचे उतारा, चेहरे को जमीन पर लगाना शुरू किया, दाढ़ी को पकड़ करके कहा के मेरे परवरदिगार, अब्दुल का बूढ़ा हो गया है, इसके बुढ़ापे पर हम फरमाओ। अब मैं हाथ जोड़ करके आपसे करता हूँ, नया साल आया, आप जोश में निकले, मुर्गी लिया, उसे काटा, चखना लेकर के आपने दारू पी लिया, और आप बम बम है कि 2022 बहुत अच्छा साल जाएगा, आपका दुनिया का भी नुकसान है, आपके दीन का भी नुकसान है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 2021 खराब गया, क्यों? हमारे अमल अच्छे नहीं थे। 2022 अच्छा नहीं जाएगा, अमाल अच्छे नहीं है, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह खराब कर दिया, एक काटा बाहर निकले, मुसलमान होकर के आपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, ईसाई बन गए, नबी के तरीके को आपने छोड़ दिया, ईसाई बन गए। ये नया साल मनाना नबी का तरीका नहीं है, ईसाइयों का तरीका है। मुहर्रम आया, अब शिया बन गए। नया साल आया, आप ईसाई बन गए, आपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, आपको क्या नुकसान होगा? दुनिया का नुकसान ये होगा कि 2021 तो बर्बाद गया, 2022 भी बर्बाद है, और दीन का क्या नुकसान होगा? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम मेरे तरीके को छोड़ोगे, ईसाई के तरीके को इख्तियार करोगे, तो ईसाई बन जाओगे, यहूदी के तरीके को इख्तियार करोगे, यहूदी बन जाओगे, अगर तुम मेरे तरीके को छोड़ोगे, ईसाई के तरीके को कबूल करोगे, जैसे वो अपनी माँ से जिना करते हैं, तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। अगर तुमने मेरे तरीके को पकड़ा नहीं, उसके तरीके को छोड़ दिया, मेरे तरीके को छोड़ दिया, उसके तरीके को पकड़ा, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने अगर नया साल मनाया, ईसाई के तरीके को अपनाया, नबी के तरीके को छोड़ा, तो तुम्हें क्या नुकसान होगा? अल्लाह अपनी पहचान से तुम्हें महरूम कर देगा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा कि तुम अगर नबी के तरीके से मुंह मोड़ोगे, नबी के तरीके को छोड़ोगे, तो जब तुम्हें मरने के बाद कब्र में डाला जाएगा, तुम्हारे चेहरे को क़िबले की तरफ रखा जाएगा, तो अल्लाह क़िबले से तुम्हारे चेहरे को क़िबले से हटा देगा। तुम्हें मरने के बाद क़िबले की तरफ चेहरा रखना नसीब नहीं होगा, इसलिए कि जीते जी तुमने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि नया साल आए, जायजा लेना है, नए साल में जश्न नहीं मनाना है। आप उठा लीजिए, इंशाल्लाह सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर्खिजत से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है, बताने लगा रब बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान, वो हम ये कहते नसारा तो तमतुन में हनो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, वो जमाने में मोहसस थे मुसलमान हो गए, और हम खार हो बेता लिख खोरो याद होना चाहिए, आह गफलत में जवानी हो गई तेरी
मुसीबत में खुदा ही याद होना चाहिए। इंशाल्लाह नए साल पर जश्न नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुहर्रम में ढोल बजेगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत प्यारा बड़ा खूबसूरत जलसा आपका हो रहा है, एक तिहाई जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसी का हाल में हैं जिस हाल में आप पहले थे। ये दलील है कि आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे। जिन्हें तारीफ लेने के लिए आए थे, मैं इनकी शक्ल देख कर इनको तारीफ दे दिया। इतना मासूम आदमी ये उल्टा सीधा आदमी नहीं है। मैं इनकी शक्ल को देख करके तारीफ दी, वरना इस इलाके में हम लोग को तारीफ देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आसानी आंख बंद करके दिया इस आदमी को देखकर देखकर। लेकिन अब यहाँ महसूस हो रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा फैसला लिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों को खुश रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह हर मुश्किल को आपकी आसान फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, दीन दुनिया का फर्क बताने के लिए जा रहा हूँ, दीन दुनिया के फर्क को बताने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे वक्त में जब आप मुकम्मल बेदार हो जाए, ये पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, दीन दुनिया का फर्क बता रहा हूँ कि दीन क्या है, दुनिया क्या है, इसके फर्क को बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइन लाइन सुना रहा हूँ। पहला फर्क देखिए, एक होता है सोने का सिक्का, एक होता है हमारी जेब का सिक्का। दोनों के सिक्के में फर्क दिखा रहा हूँ। जो सोने का सिक्का होता है उसका नाम है अशरफी। एक अशरफी 35 से 40 हज़ार रुपये की होती है। और हमारा जो हमारी जो जेब का सिक्का है, अगर हम बच्चा को दें तो बच्चा उठा करके फेंक देते हैं। तो ये जेब का सिक्का है, ये दुनिया है, जो अशरफी है वो आखिरत। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, एक आदमी है, एक आदमी का साया है, आदमी है, आदमी का साया है। जो आदमी है वो असल है, जो साया है वो नकल है, जो साया है वो दुनिया है, जो असल है वो आखिरत है। तीसरी बात को याद रखिएगा, बहुत कांटे का नमूना आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे पास है दौलत, एक खुदा के पास दौलत है। जो हमारे पास दौलत है वो खत्म होने वाली है, जो खुदा के पास जो दौलत है वो बाकी रहने वाली है। दुनिया की मिसाल उस दौलत की है जो हमारे पास है, आखिरत की मिसाल उस दौलत की है जो खुदा के पास है। चौथा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने मकान बना करके रहता है, अपने मकान में रहता है, दूसरा आदमी किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान में जो रहता है हर वक्त उसके दिल में खौफ रहता है कि पता नहीं मकान मालिक कब बाहर निकाल दे। लेकिन जो अपने मकान में रहता है सुकून से और इत्मीनान से रहता है, दोनों में क्या फर्क है? जो असल मकान है वो आखिरत है, जो किराए का मकान है वो दुनिया। चौथे फर्क को जरा देखिएगा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मिट्टी का प्याला है, हर वक्त जब लगा रहता है कि नीचे गिरा टूट जाएगा। एक सोने का प्याला है, वो हजार बार गिरेगा टूटेगा नहीं, जो टूटता नहीं वो आखिरत है, जो कदम कदम पर टूट रहा है फना हो रहा है वो दुनिया। चार फर्क बताने के लिए जा रहा हूँ, दीन और दुनिया में, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ध्यान दीजिएगा मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है। जो खत्म होने वाली है वो दुनिया है, जो खत्म होने वाली नहीं है वो आखिरत। एक थोड़ी है, एक ज्यादा है। जो थोड़ी है वो दुनिया है, जो ज्यादा है वो आखिरत है। एक परेशानी से मिलती है, एक आसानी से मिलती है। जो परेशानी से मिलती है वो दुनिया है, जो आसानी से ईमान वाले को मिल जाती है वो आखिरत है। एक मिलना तय है, मिल करके रहेगी, और दूसरे के बारे में गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। जो मिल सकती है नहीं मिल सकती है, गारंटी नहीं है वो दुनिया है। जो ईमान वाले को मिल करके रहेगी वो आखिरत है। हम चार चीज का दावा करते हैं। पहला दावा ये होता है कि हमारा जन्नत पर ईमान है। हमारा पहला दावा होता है जन्नत पर हमारा ईमान है। लेकिन जन्नत पर दावा है, जन्नत पर ईमान है, नेकी नहीं है, इसका मतलब है झूठा दावा। हम कहते हैं कि जहन्नम से हमको डर लगता है, लेकिन जहन्नम से अगर डर लगता है तो फिर गुनाह क्यों करते हैं, इसका मतलब है झूठा दावा। हम कहते हैं कि नबी से मोहब्बत है लेकिन आलिम से नफरत है, मदरसे से नफरत है, झूठा दावा। बाप से नफरत होगी, बच्चे से मोहब्बत होगी, बच्चे से नफरत है, बाप से मोहब्बत होगी, ये झूठा दावा। अगर नबी से मोहब्बत होती तो मदरसे से मोहब्बत होती, उलमा से मोहब्बत होती, आलिम से नफरत, नबी से मोहब्बत, ये झूठा दावा।
हम दावा करते हैं इनको खुदा से मोहब्बत है। अगर खुदा से मोहब्बत है तो शिकायत क्यों है? जिससे मोहब्बत होती है उससे शिकायत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों ने दीन को क्रूस क्रूस करके जिंदगी से निकाल दिया। अब मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूछिए कि फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो जुमा जुमा पढ़ते हैं, वाजिब आप पढ़ते हैं तो मौका नहीं है। सुन्नत को आप पढ़ते हैं तो ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी का हाल है। सुन्नत आपको कहाँ मिलेगी, किन जगह मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। पहली जगह जब बेटे का खतना करना है तो वहाँ सुन्नत नजर आती है। जब बेटा जवान हो गया निकाह के मौके से आपको सुन्नत नजर आएगी। और जब दफन करना है तो जलाना नहीं है, दफन करना है, नबी की सुन्नत मालूम होगी, उसके बाद नबी की सुन्नत नजर नहीं आएगी। मुसलमानों ने दीन को निकाला, अल्लाह ने दौलत से इज्जत से सबसे मुसलमानों को निकाला। दीन को लेकर के उठिए, अल्लाह हर चीज पर गालिब फरमा देगा, हर एक के ऊपर गालिब फरमा देगा। दीन को लेकर उठेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह, बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये दुनिया भी अजब सराए फानी किया है